हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से निकाली गई एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे डेली आप लोगों को मिलते रहेंगे दोस्तों। और मेरा एक न्यू चैनल है जो जिसका नाम है टेक्नो फॉर यू, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप लोग जरूर से जरूर उसको भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी, और सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे इसमें जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उसके भी सब आप लोगों को मिलते रहेंगे, और वहाँ पे जितने भी वीडियो आएंगे सब टेक्निकल रिलेटेड आप लोगों को मिलेंगे, जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका नोटिफिकेशन को। स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, मैं एक ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हूँ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट को जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं और उसका डिटेल को देखते हैं। रिक्वायरमेंट में चलते हैं और रिजेक्ट एक ही ऑप्शन दिया गया है, वहीं पर क्लिक कर देते हैं, जहाँ पे जॉब से रिलेटेड बहुत जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सब यहीं पर मिल जाएंगे। जिसका सेकेंड वाला देखिए, अभी एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है, ये लेटेस्ट है। क्लिक या टू डाउनलोड पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग उसका डिटेल देख लेते हैं। इसका एड्रेस वगैरह ऊपर में ही मेंशन किया गया है, लिंक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। देखिए btsc.bih.nic.in, इसके आप लोगों का रूल वगैरह दिया गया है, क्रमांक संख्या, उसके बाद डेट वगैरह मेंशन किया गया है। पद क्या रहेगा, स्टाफ नर्स ग्रेड ए आप लोगों का रहेगा, और ग्रेड पे आप लोगों का सैलरी रहेगा 4600, ये ग्रेड पे रहेगा, फुल सैलरी नहीं है। उसके बाद कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया, जनरल के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति सबके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे पोस्ट को। इसमें टोटल 9130 पोस्ट टोटल है, जिसमें आप लोगों को रूल ये जानना जरूरी है कि 4% दिव्यांश और 2% स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोती वगैरह सबके लिए दिया गया है, जिसमें से आप लोगों का महिला का अनुपात बहुत ही ज्यादा है यहाँ। उसके बाद इसके लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, देखिए स्वास्थ्य विभाग में बिहार समय के आधारित आप लोगों का समय समय में GNM वगैरह सब कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड वाला में जो दिया गया है, ट्विटर के लिए दिया गया है 4800, ये ग्रेड पे सैलरी रहेगा, सातवां वेतन के आधार से स्तर 8 दिया गया है। इसमें भी कैटेगरी वाइज अलग से डिवाइड कर दिया गया है, इसमें आप लोगों का BSc MSc नर्सिंग BSc नर्सिंग वगैरह क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साथ ही एक्सपीरियंस के साथ में। नीचे आइएगा तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे पहला वाला नर्स के लिए जो दिया गया था, इसमें न्यूनतम 21 दिया गया सबके लिए, और मैक्सिमम अलग अलग दिया गया है। पुरुष के लिए जो जनरल है, इसके लिए 37 दिया गया है, महिला के लिए 40 दिया गया है, फिर 40 दिया गया है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला पुरुष दोनों के लिए। इसी तरह से और अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो इस पोस्ट के लिए जो नर्स वाला है, इसके लिए चयन प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, वो चीज भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। 60 मार्क आप लोगों का जो रहेगा, पहला देखिए GNM कोर्स परीक्षा के लिए 60 मार्क रहेगा, उसके बाद 15 मार्क आप लोगों का रहेगा उच्चतर कोर्स के लिए 15 मार्क रहेगा, उसके बाद आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर किए हैं उसके आधार से आप लोगों का 25 मार्क रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों का चयन की प्रक्रिया होगी। ट्विटर वाले के लिए जो अलग से पोस्ट आई थी, उसमें भी आप लोगों का जो यहाँ पे डेट दिया गया है, देखिए 1/8/2018 के आधार से आप लोगों का कैलकुलेट होगी, जिसमें से 21 दिया गया है मिनिमम, उसके बाद 37, 40, 40, 42 अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, सब कुछ दिया गया है। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड करके सारे डिटेल में जान सकते हैं इसका। और इसका भी चयन प्रक्रिया अलग से दिया गया है, इस पोस्ट के लिए अलग से चयन प्रक्रिया रहेगी, जिसमें से आप लोगों का BSc वगैरह सब जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए 60 मार्क रहेगा, उसके बाद नर्सिंग के लिए यहाँ पे 15 रहेगा, और आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है उसके आधार से 25 रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये चयन की प्रक्रिया रहेगा, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग से दिया गया है। आप लोगों का क्या क्या यहाँ पे आरक्षण पाने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, ये सब सब सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आरक्षित कोटि के लिए एक तरह से इसका फुल फॉर्म दिया गया है टेबल पे, अनुसूचित जाति को SC, अनुसूचित जनजाति को ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को EBC दिया गया है, पिछड़ा वर्ग को BC दिया गया है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए WBC दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWC दिया गया है। नीचे चलते हैं, नीचे में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे टेबल एक बन के आता है, इस टेबल में दिया गया है आप लोगों का अप्लीकेशन फी। जो ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आपका अप्लीकेशन फी क्या रहेगा, 200 रुपये जो दिया गया है, देखिए
सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 200 दिया गया है। फिर 50 जो दिया गया सेकंड नंबर में, अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बिहार की निवासी है उसके लिए। फिर थर्ड नंबर में भी ₹50 जो दिया गया है, इसमें अरक्षित अनारक्षित महिला महिला उम्मीदवार के लिए बिहार वाले के लिए 50 दिया गया है। बाकी अदर स्टेट से अगर आप लोग पुरुष महिला जो भी है आप लोगों का लिए ₹200 इसका अप्लीकेशन फी दिया गया है। तो ये आप लोगों का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों को वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से कीजिएगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का डायरेक्ट उस पोर्टल पे ले चलेगा जहाँ से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का रहेगा। लास्ट डेट इसका दिया गया है 26 तारीख, 26/8/2019 को इसका लास्ट डेट है। उससे पहले ही इसको कर लीजिए, बहुत सारे वैकेंसी निकल के आई है। सैलरी रेंज भी बहुत ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि ग्रेड पे ही इसका लगभग 5,000 तक दी गई है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।